जी बच्चों को, क्योंकि बच्चों की जो है कि प्रेम जी से फारग हुए तो उनको चाहिए कि वहाँ पर मिडिल स्कूल होना चाहिए जी। तो मिडिल जब मिडिल पढ़ाई जिसने की तो उसको बाद में वहाँ पर हाई स्कूल चाहिए जी। तो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है और उनको मिडिल स्कूल, उनको फिर भी कास्ट या फेंस क्रॉस करके इस तरफ कस्बा की तरफ आना पड़ता है। तो उनको चाहिए कि उनको जो स्कूल है शिफ्ट किया जाए केरने के अंदर और उनको वहाँ पर बिल्डिंग दी जाए, तो बताऊँ कि वहाँ उनके बच्चे सेटल हों। तो बल्कि मेरा ख्याल है कि उनको हाई स्कूल दिया जाए उस इलाका में, क्योंकि जितनी दूरी है जितनी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उस हिसाब से उनको हाई स्कूल वहाँ हो तो उनकी फेंस के अंदर होना चाहिए, उनकी काफ़ी प्रॉब्लम कम होगी क्योंकि बच्चियों का मामला है। तो बच्चियाँ वहाँ पर कहाँ जाए, हमारे पास जो इस वक्त हाई सेकेंडरी स्कूल है इस्लामाबाद है वो नाले से हमें कट ऑफ है उसका किसी टाइम कितनी बार, क्यों अभी थोड़ा सा कोई ब्रिज लगा छोटा सा वहाँ पे, उससे पहले नाले में एक बच्ची बह गई स्कूल जाते हुए इस्लामाबाद। हाँ इस्लामाबाद काफ़ी दो तीन बार बच्चे बह भी गए, कुछ लोगों ने पकड़े जी तो निकाले। तो इसमें हमें बहुत बड़ी दिक्कत है कि जो मेरी पंचायत वो कस्बा है, कस्बा पंचायत के अंदर जो स्कूल है हमारा इस वक्त वो मिडिल स्कूल है जी। तो 1952 का है ये, 1952 में ये स्कूल अमल में आया। तो आज तक वो इस वक्त मिडिल भी सेंटर स्कूल है, क्योंकि वहाँ पर अभी इसका हेडमास्टर पोस्ट नहीं है, वहाँ पे वो अभी हेडमास्टर पोस्ट वहाँ पे नहीं है। वो इस वक्त सबसे पुराना इस्लामाबाद जो हाई सेकेंडरी बन गई इससे भी पुराना है, जो बड़ी चीजें इस वक्त हाई स्कूल है उससे नहीं, जो कस्बा किया गया कस्बा वाला जो कस्बा ये तो इस वक्त तक वो हाई स्कूल नहीं बना है। तो हमने कई बार उसके रेजोल्यूशन डाल के लिए, हमने एमएलए साहब से बात की, एमएलसी साहब से बात की, और एजुकेशन सीओ साहब से मिले, हमारे वफ्त मिले कि हमारे स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ से इस्लामाबाद जाना हो, वहाँ से बड़ी चीज़ें आना हो। हालांकि गवर्नमेंट ने इस वक्त रूल निकाला कि हर आधा किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, आधा किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल है तो उसके अंदर हाई स्कूल 2 किलोमीटर के अंदर हाई स्कूल होना चाहिए। तो इस वक्त केरनी और कस्बा के दरमियान भी कोई भी इस वक्त हाई स्कूल नहीं है हमारे, हालांकि जबकि हमारे स्कूल बहुत पुराने हैं। जाना हो तो इस्लामाबाद जाएंगे या बड़ी चीज़ें, और इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त हमें ये दिक्कत आ रही है जो वहाँ का प्रिंसिपल है, तो उसने देखो बच्चों का बेस जो है मास्टर पढ़ाते ही नहीं पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा रहे, जीरो। इस वक्त इनके जो रिजल्ट आ रहे हैं इनके 15% 20% आ रहे, 10% आ रहे, तो उसमें क्या किया जाए। और इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम जो वहाँ पर प्रिंसिपल साहब हैं तो उन्होंने 9th क्लास में उन्होंने लड़कों को वो अपना क्या कर देते हैं कि उनको ऑफ कर देते हैं स्कूल से, मतलब उनको एडमिशन नहीं देते आगे। क्यों नहीं देते? नहीं बच्चों का बेस कमज़ोर है तो टीचरों की तरफ से है ना, हमारी तरफ से तो नहीं है। जब आप गवर्नमेंट से इतनी बड़ी तनख्वाहें ले रही, किस चीज़ की तनख्वाह बच्चों को पढ़ाने की, तो वो बैठते हैं कुछ छुट्टी पे होते हैं कुछ इनका सिस्टम ये बन गया एजुकेशन का खास कर कि ये दरख्वास्त लिख के रख देते हैं एडवांस में स्कूल के अंदर, दरख्वास्त लिख के रख दी। हाँ, कहीं इंस्पेक्शन हुआ तो कोई आ गया तो उसके ऊपर खाली डेट डालनी है, डेट नहीं डालते हैं, डेट बिना डेट के रख देते हैं। अगर कोई इंस्पेक्शन आ गया फटाफट डेट डाल दीजिए, फलाने टीचर फलाने ये दरख्वास्त रखी है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त, क्योंकि एजुकेशन सबसे ज़रूरी एजुकेशन है बच्चों के लिए, तो एजुकेशन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो एजुकेशन जो निज़ाम है वो खाक के बराबर है, कुछ नहीं है निज़ाम यहाँ इलाका के अंदर, और इससे हमें बहुत बड़ी परेशानी।